हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। बेटा, ये पूरा चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? वो कहता है एथलीट क्यों फास्ट और डीपर सांस लेता है रेस ख़त्म करने के बाद में? अगर आप रिकॉल करो, आपको मैंने चैप्टर में ये डिस्कस किया हुआ है, तो चलो फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस एस एथलीट नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर हिज और हर मस्कुलर सेल्स विच हैव वर्कड हार्ड ड्यूरिंग रनिंग। क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमारी बॉडी हमारी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ही है, एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। इस कारण एक्स्ट्रा एनर्जी को कोप अप करने के लिए जब उसकी रेस ख़त्म हो जाती है तो एथलीट जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेता है और डीपर सांस लेता है। ठीक है, फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग इम्प्रूव्स ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स। दिस हेल्प्स इन फास्टर ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ताकि उसको प्रॉपर एनर्जी फिर से जल्दी मिल जाए। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन मोर रिलीज ऑफ एनर्जी। इससे हमारे को ज़्यादा एनर्जी एथलीट्स को मिलती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन में हमने सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। डिफरेंसेस तो मैंने आपके चैप्टर में भी डिस्कस किए हुए हैं, चलो फिर भी इस क्वेश्चन में हम लोग सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों फिर से देखते हैं। सो पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। सिमिलैरिटीज़ इन दोनों में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि इन बोथ द प्रोसेसेस फूड इज़ ब्रेकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। फूड तो टूटता ही है ना एनर्जी की रियलाइजेशन के लिए। इसमें आपका बेशक ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, बेशक ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, पर फूड तो ब्रेक डाउन होगा ही होगा, है ना। डिफरेंसेस आपके वही सारे आ जाएंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, एनारोबिक अकर्स इन सम बैक्टीरिया, फंगाई, जर्मिनेटिंग सीड्स इन सर्टेन एनिमल टिश्यूज। सेकेंडली, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है तो इट देर इज़ कम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑक्सीजन उसमें नहीं रिक्वायर्ड तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, तभी इनमें कभी कभी हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही है। और एनारोबिक में ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसमें हमारी एनर्जी बनती है बट वो लेसर अमाउंट में बनती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर? हम क्यों स्नीजिंग करते हैं, छींके हम क्यों मारते हैं जब हम ज़्यादा डस्ट लेडन एयर को इनहेल करते हैं? इसके आंसर में आप लिखोगे, व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर डस्ट पार्टिकल्स एंटर अवर नेजल कैविटी से हम एयर अंदर ब्रीद इन करते हैं तो हमारी डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर जाती हैं। दीज पार्टिकल्स देयर इरिटेट द लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी विच रिजल्ट्स इन स्नीजिंग। ये इरिटेशन क्रिएट करते हैं नेजल कैविटी की लाइनिंग में, इसके कारण हमारे को स्नीजिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। टेक 3 लार्ज टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है अपने बड़ी, तीनों में 3/4 पानी डाल दो, लेबल ए बी एंड सी नाम दे दो। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, एंड इन सी कीप बोथ स्नेल एंड प्लांट। एक में आप स्नेल रख दो, एक में आप वाटर प्लांट डाल दो और एक में दोनों चीज़ें डाल दो। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द ग्रेटेस्ट हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगी वो हमने बताना है। आप देखो इसके आंसर में हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी
इन टेस्ट ट्यूब सी एज देयर आर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द टेस्ट ट्यूब. उसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हमारा आंसर आएगा टेस्ट ट्यूब सी. क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे को टिक द करेक्ट ऑप्शन है. पहला है ए पार्ट जो है, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पायरेकल्स और स्किन. कॉकरोचेस में आपकी स्पायरेकल्स के थ्रू जाते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिनका, मैंने अगर आपको नाम याद हो, ट्रचे हमारे टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनकी स्किन के साथ ओपनिंग पार्ट जो स्पायरेकल्स के थ्रू होता है. तो वो इसका आंसर आएगा, कॉकरोचेस में एंटर थ्रू करती है स्पायरेकल्स के थ्रू, सी पार्ट, थर्ड ऑप्शन. बी पार्ट इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल और वाटर. क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, क्रैम्प्स हमारी लेग्स में क्यों आती हैं, अगर आप रिकॉल करो मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा जमा होने के कारण हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आती हैं. तो ऑप्शन विल बी टू, लैक्टिक एसिड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका. नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग पर रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज 9 to 12, 15 to 18, 21 to 25 या 30 to 33. नॉर्मल जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो 15 to 18 टाइम्स होती है इन अ मिनट ऑफ ए नॉर्मल या एवरेज एडल्ट पर्सन. ठीक है, डी पार्ट आओ. डी पार्ट हमें कहता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव्स आउटवर्ड्स, मूव्स डाउनवर्ड्स, मूव्स अपवर्ड्स, डू नॉट मूव एट ऑल. जब मैं, आप अपनी बॉडी में करके देखो, जब आप एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो, तो आपकी रिब मूवमेंट अंदर होती है, ऊपर होती है, बाहर होती है, अपवर्ड होती है या बिल्कुल नहीं हिलती है. तो उसमें क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी मूवमेंट डाउनवर्ड्स होती है, तो रिब्स हमारी अंदर जाती हैं. ऑप्शन विल बी टू. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा मैचिंग का है, तो इसमें कॉलम वन और कॉलम टू में आपको दे रखा है. कॉलम ए यीस्ट है, तो उसको हमने मैच करना है बी के, कौन से कॉलम किस में जाएगा. यीस्ट जो है आपका एल्कोहल पे जाएगा. देन कम डायफ्राम. डायफ्राम आपका बी है, बी डायफ्राम आपका गिल्स ये चेस्ट कैविटी में जाएगा. देन कम्स थ्री सी स्किन है. स्किन हमारा किस में जाएगा, अगर आप देखो स्किन हमारा जाएगा अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू. अपना ऑक्सीजन लेते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. देन कम्स डी लीव्स. लीव्स जो है हमारा स्टोमेटा के, लीव्स के बीच में स्टोमेटा होता है जिसके साथ वो ब्रीदिंग प्रोसेस, उनका रेस्पिरेशन होता है. देन कम्स फिश. फिश का आएगा टू गिल्स. एंड देन कम्स फ्रॉग्स. फ्रॉग्स का आएगा लंग्स और स्किन, क्योंकि फ्रॉग दोनों में होता है, लंग्स और स्किन में. और ट्रेचे आपका किस में आएगा, ये अब है नहीं है, अगर होता तो कॉकरोच में ट्रेचे आता. ठीक है, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन आपका ट्रू फॉल्स है. सो क्वेश्चन नंबर वन, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन. इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हाई हो जाता है, स्लो नहीं होता. सेकेंड इज प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट. नो, रेस्पिरेशन तो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस दिन में होती है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स. यस, इसमें तो है ना, स्किन भी है, लंग्स भी हैं और इसके गिल्स भी हैं. So answer will be true. Question number four, the fishes have lungs for respiration. No, fishes के पास lungs नहीं है respiration के लिए, उनके पास gills हैं. So question number five is the size of chest cavity increases during inhalation. जब हम सांस लेते हैं, आप लेके देखो, जब आप सांस लोगे आपकी chest cavity का size जो है वो बढ़ जाता है. So it is true. ये कुछ questions ऐसे हैं जो आप अपने ऊपर करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा उसका answer. ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट. गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच
are hidden words related to the respiration in organisms. These words may be present in any direction, upward, downwards or along the diagonals. Find the words for your respiratory system. Clues are given. ये आपको जो बॉक्स है बीच में, वो किसी तरह से भी आंसर हो सकता है, अपवर्ड्स हो सकता है, डाउनवर्ड्स हो सकता है, डायगनल भी हो सकता है. सो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट आया एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स. एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो क्या होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्लाइड में दूंगी. जो हमने उसने पहला पूछा एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स. एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हमारा जो होता है वो कॉकरोचेस और अदर इंसेक्ट्स में है, वो ट्रचे में है. तो इसका आंसर ट्रचे है आपका. तो ये देखो यहाँ पे आपका ट्रचेस में दिया हुआ है, मैंने आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है. सेकेंड है हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग ड्यूरिंग सराउंडिंग चेस्ट कैविटी. स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग ड्यूरिंग सराउंडिंग चेस्ट कैविटी के साथ में हमारा क्या होता है, रिब्स. थर्ड इज मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, दैट इज डायफ्राग्राम. ओके, नेक्स्ट इज टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, दिस इज स्टोमेटा. स्टोमेटा हमारा डायगनली आया है. देन कम्स नेक्स्ट फिफ्थ इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स के क्या हैं हमारे, वो है हमारे लंग्स. ओ सॉरी बेटा एक मिनट, फिफ्थ है आपका, सॉरी फिफ्थ है आपका स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट. स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट है. इंसेक्ट के जो स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं बॉडी में, वो ट्रचे, टेस्ट ट्यूब्स की आपकी कॉकरोचेज और अदर इंसेक्ट्स के पास होती है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स. ओके, नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स इज लंग्स. ठीक है, सेवन्थ इज योर द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल. कौन सी ओपनिंग जिससे हम इनहेल करते हैं, आप किससे इनहेल करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, दैट इज नॉस्ट्रल्स. राइट, नेक्स्ट इज एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दैट इज यीस्ट. एट्थ आपका आ गया यीस्ट. नाइन्थ है एन ऑर्गेनिज्म विच विद ट्रेचियल सिस्टम. कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके बीच में ट्रेचियल सिस्टम है. बेटा इसके जो बॉक्स आपको दे रखा है इसमें कोई इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है. जो आपका ये वर्ड्स को इंसेक्ट्स कॉकरोचेस या ग्रास हॉपर्स को सबको जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं उनको शो करे, कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए इसको मैंने नहीं किया है, इसका ऐसे ही मैंने आंसर लिख दिया. ठीक है बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन्थ. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कहता है द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देर इज नो एयर. बी द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड. सी इज द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हाई देन दैट ऑन द ग्राउंड. एंड डी इज द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड. सो इसका आंसर आएगा क्योंकि एयर उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होती जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट्स पे जाते हैं. सो ऑप्शन इसकी बी आएगी, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड. ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.